मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी उन व्यक्तियों के लिए जो शुगर से पीड़ित है, जो डायबिटिक है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मीठी चाय पियेंगे तब हमारी शुगर बढ़ेगी, और यदि हम बिना मीठे की चाय पियेंगे तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। देखिए, आज मैं ये आपका भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि बिना चीनी की चाय भी डायबिटिक पेशेंट को हानि पहुंचाती है। गर्मी हो या सर्दी, प्रत्येक व्यक्ति रोजाना चाय पीना पसंद करता है। कई व्यक्ति तो चाय पीकर ही बेड से नीचे उतरते हैं, तो वो सोचते हैं कि बिना चीनी की चाय यदि हम पियेंगे तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। परंतु ऐसा नहीं है। कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। चाय में पाए जाने वाला पॉलीफिनोल और टैनिन, ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में आयरन को सोखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसमें जो भी आयरन की मात्रा है उसको सोखने में ये दोनों पदार्थ पॉलीफिनोल और टैनिन बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी आपके शरीर में आयरन की कमी होनी शुरू हो जाती है और आपका हेमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर में हेमोग्लोबिन घटता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और इसी के साथ साथ दूध में पाए जाने वाला जो फैट है वो भी शुगर बढ़ाता है। तो इस प्रकार का भ्रम कभी ना पालें कि बिना शुगर की, बिना चीनी की चाय हम पियेंगे तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। तब भी आपकी शुगर बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि चीनी की चाय पीने से अति शीघ्र बढ़ जाती है और बिना चीनी की चाय पीने से ये धीरे धीरे आपकी शुगर बढ़ाती जाएगी, आपके शरीर में हेमोग्लोबिन घटाती जाएगी, आपको कमजोरी आ जाएगी और इस प्रकार से आपको ये हानि पहुंचाती रहेगी। तो आज ही आप चाय से बिल्कुल छुटकारा पा लें, किसी भी प्रकार की चाय ना पिए। उससे बेहतर है आप फलों का जूस ले लें, वो पीना बेहतर है। उसमें फ्रुक्टोज होता है, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर करें और एक दूसरे को साझा अवश्य करें। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको ये सब जानकारी एक के बाद एक देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।